भी जाति है, हर जाति का अपना अपना एक फेस्टिवल होता है, उसी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा फेस्टिवल हम सब भारतवासियों का है। और ये फेस्टिवल एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम सब लोग बड़े सौहार्द के साथ मनाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई टैग नहीं होता कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, और ये टैग कोई मानता भी नहीं है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है इसे हम काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको विस्तार में बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 इसके बीच जो डिफरेंस उत्पन्न हुआ था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये पूरा टाइम जो हमारे भारतीय संविधान को लागू करने में जो टाइम की जो समय सीमा जो लगी थी, इसे बड़ी सोच और समझ कर बनाया गया था। और इसके जनक थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस संविधान को हमने 22 भागों में विभाजित करके और इसे हमने 395 अनुच्छेद में 12 अनुसूचियों में हमने डिवाइड किया था इस पूरे संविधान को। आज पूरा भारत इस संविधान पर ही डिपेंड है और पूरा भारत इस संविधान के हर रूल्स को मानता है। तो एब्सोल्युटली हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर तो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस संविधान की रक्षा भी करते हैं, और हम चाहते भी हैं कि आने वाला जो भी व्यक्ति है और वो किसी भी तरह से संविधान को ना तोड़े। कई राजनीति पार्टियां आई और चली गईं, लेकिन हम हमेशा यही चाहते थे कि हमारी जितनी भी राजनीति पार्टियां इस पर जो रोटियां सेकती हैं, भारतीय संविधान को बदलना चाहती हैं। आज पूरे भारत का यूथ पूरी तरीके से मतलब जाग चुका है और पूरी तरीके से पूरा यूथ इसमें संघर्ष भी कर रहा है। और हम कहना चाहते हैं कि जितना भी यूथ जो नई पावर है वो एब्सोल्युटली पूरी तरीके से इस संविधान की रक्षा करेगा। हम अपनी जान भी दे सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ दे सकते हैं, लेकिन अपने भारतीय संविधान के साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज पूरा भारत इस संविधान की रक्षा में रोड पर उतर आया है। कई तरह के लोगों ने विडंबनाएं उत्पन्न करी कि यार ये संविधान को तोड़ दिया जाए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं, लेकिन हम किसी भी तरह से इस संविधान की 101% रक्षा करेंगे। और किसी भी तरह की कोई भी पार्टियां अपनी अगर रोटियां सेक रही है, हम उसे नहीं करने देंगे। तो मेरा सारे भारतवासियों से एक ही विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने संविधान के लिए खड़े हों। सबसे बड़ा त्यौहार तो हमारे जो धार्मिक त्यौहार होते हैं वो त्यौहार तो एक अलग टाइप के होते हैं, लेकिन ये जो त्यौहार है ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे।